दिल्ली में डेंगू से रविवार को एक और मौत हो गई। इसको लेकर डेंगू से मरने वालों की संख्या 5 हो गई। मृतक बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। 26 अगस्त को गंभीर हालत में एक दूसरे अस्पताल से अपोलो अस्पताल भर्ती कराया गया था। इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के 310 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से करीब 192 केस अगस्त के पहले 3 हफ्ते में दर्ज किए गए। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की को घर में जिंदा जलाने की 3 लड़कों ने कोशिश की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की 70% जली हालत में अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली के खजूरी इलाके में शराब ठेके को लेकर बुलाए गए मोहल्ला सभा में कपिल मिश्रा के न पहुंचने से विवाद हो गया। जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने ही मोहल्ला सभा का आयोजन किया था और खुद नहीं पहुंचे। लोगों का आरोप है कि कपिल मिश्रा के लोगों ने नारे लगाने पर पिटाई की। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से टैंकर घोटाला मामले में रविवार को एसीबी ने पूछताछ की। एसीबी ने शीला दीक्षित को 15 सवालों की एक लिस्ट सौंपी है। इन सवालों का 2 से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। करीब 400 करोड़ के इस घोटाले में एसीबी ने जून में दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष कपिल मिश्रा और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर केस दर्ज किया था। दिल्ली के जामिया नगर में 15 साल की लड़की से करीब 25 लड़कों पर ब्लैकमेल कर रेप का केस दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी भी नाबालिग है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पहले लड़की से रेप किया और वीडियो बनाकर दूसरे साथियों से संबंध बनवाया। लड़की की तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा हुआ। उसने जो बताया, उसने कहा कि मैं 5 दिन से घर से गायब थी, उससे पहले मुझसे रेप हो रहा था और अब की बार मैं 5 दिन बाद वापस आई हूँ। कम से कम 25 लोगों ने मेरे साथ गैंग रेप किया। लड़की 15-16 साल के करीब। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर टोल की वसूली खत्म करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। जनहित मोर्चा के बैनर तले नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 20 से ज्यादा संगठन धरने पर बैठे हैं। आंदोलन की वजह से डीएनडी प्रशासन ने फिलहाल के लिए टोल वसूली पर रोक लगा दिया है। तीन कारों की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। हादसा अंधेरी फ्लाईओवर के पास हुआ। 7 मुंबई की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने अपने आगे की कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि आगे वाली कार डिवाइडर को पार कर सड़क के दूसरी ओर एक कार से टकरा गई। जीएसटी को पास कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन सरकार में सहयोगी शिवसेना का रुख साफ नहीं है। शिवसेना का कहना है कि बीएमसी की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए अगर जीएसटी बिल लाया जा रहा है तभी शिवसेना समर्थन करेगी। मुंबई की आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस 31 मंजिला इमारत को ढहाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए केंद्र को बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन शहरी विकास सचिव ने केंद्र के हवाले करने के आदेश पर याचिका दाखिल की थी। मुंबई में आज आधी रात से होने वाली टैक्सी और ऑटो रिक्शा की हड़ताल टल गई है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री से बातचीत के बाद यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। टैक्सी ऑटो यूनियन ओला और उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब का विरोध कर रही है।